नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सीएम के रूप में भगवंत मान ने शपथ ग्रहण किया। इसके अगले दिन गुरुवार को हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। ऐसी भी खबरें आई है कि हरभजन सिंह को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान सौंपी जा सकती है। हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने के कयास उस समय से लगने लगे थे जब उन्होंने ट्वीट करके भगवंत मान को जीत की बधाई दी थी। हरभजन सिंह और भगवंत मान के बीच दोस्ती भी है। अब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान ही भगवंत मान ने ऐलान किया था कि पंजाब में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरभजन सिंह को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिम्मा दिया जा सकता है। दरअसल इस महीने अंत में राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी को राज्यसभा की 5 सीटें मिलेगी, जिसमें पहला नाम हरभजन सिंह का है। पार्टी ने हरभजन सिंह के नाम को हरी झंडी दे दी है। बड़ी बात यह है कि हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने पर लंबे समय से कयास लग रहे थे। आम आदमी पार्टी ने जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी की है। इसके बाद लग रहा था कि हरभजन सिंह को पार्टी राज्यसभा जरूर भेजेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को निकले थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि सीएम बनने के लिए मेरे दोस्त भगवंत मान को भी बधाई। माता जी के लिए गर्व का पल है। पंजाब में आपकी अप्रत्याशित जीत। अगर पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी ने दूसरे दलों की हालत पस्त कर दी। आम आदमी पार्टी ने कुल 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की। यहां तक कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू और 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को भी हार का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।